हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ओंकार और मैं लेके आया हूँ फिर से एक नया वीडियो आपके लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। और आज हम बनाने वाले न्यूज़पेपर से बाइक, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आगे क्या करना है, आगे की स्टेप समझ में नहीं आएगी। तो पूरा एंड तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया चैनल अगर नहीं किया है तो। ठीक है, तो चलो करते हैं हमारा वीडियो। चलो दोस्तों, YouTube पे सर्च करोगे तो बहुत सारी गाड़ी आएगी जिसका आपको वीडियो सर्च रिजल्ट में आ जाएगा। लेकिन ये गाड़ी पूरी तरह से मूवेबल है, ये हिलती है, स्टैंड निकलता है, हैंडल हिलता है और पहिए भी इसके चलते हैं, तो आपको ये कहीं भी नहीं मिलेगा। हेलो दोस्तों, न्यूज़पेपर बाइक बनाने के लिए हमें चाहिए एक पेपर का टुकड़ा, न्यूज़पेपर का टुकड़ा। उसे हम स्टिक की मदद से रोल करेंगे, आधा रोल करने के बाद स्टिक निकाल दीजिए। और इसको ग्लू से चिपका दीजिए। ऐसे ही हमें बहुत सारे रोल की ज़रूरत पड़ेगी, तो थोड़े मैंने बड़े रोल बनाए, थोड़े छोटे रोल बनाए। अभी ट्यूब को हमें फ्लैट करना है तो इसके लिए हम सीजर का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो कोई भी भारी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो फ्लैट हो जाए। तो मैं यहाँ सीजर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे बाइक का स्केच ड्रॉ किया है आपको समझाने के लिए। तो अब हमें इसे मॉडल को लेके हमें बाइक बनानी है। आगे वाले व्हील के लिए हम ट्यूब को सर्कुलर शेप में रोल करेंगे। एक ट्यूब ख़त्म होने के बाद दूसरी ट्यूब लगा के उसे रोल कर दो। जितना बड़ा हमने स्केच में व्हील ड्रॉ किया है उतना बड़ा रोल होना चाहिए। उतना रोल होने के बाद रोलिंग करना बंद कर दो। पीछे वाले व्हील के लिए हमें दो रोल बनाने पड़ेंगे और उसको बीच से चिपकाना पड़ेगा ताकि वो बड़ा लगे। अब हम बनाएंगे टंकी का पोर्शन। टंकी का शेप देखिए, वैसे ही हमें बनाना है। तो उसको मैं एक साइड से प्रेस करने वाला हूँ क्योंकि वो टंकी का आकार ले सके। इसे प्रेस करने से वो राउंड हो जाएगा। ये हो गई हमारी टंकी। व्हील गार्ड के लिए या पंखे के लिए हमें एक होलो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि चूड़िया या कोई और रोल जो राउंड हो, उससे लपेट कर हम रिंग बना सकते हैं। रिंग को दो हिस्सों में बराबर काट लेना है। पिछले वाले व्हील के लिए दो हिस्से और आगे वाले व्हील के लिए एक हिस्सा बनाना है हमें। आगे वाले सीट के लिए मैंने ट्रायंगुलर शेप बनाया है क्योंकि आगे वाली छोटी सीट होती है ट्रायंगुलर शेप में। पीछे वाले के लिए मैंने स्क्वायर बनाया है। ये सप्रेसर सीट के लिए आगे वाले। ये मैंने फिर से एक ट्रायंगुलर शेप बनाया टूल किट के लिए। ऐसे ही मैंने और दो बनाए ताकि 3D शेप दिखाई दे दे। अभी हम बनाएंगे इंजन का पार्ट। तो इंजन के पार्ट के लिए हमें पेपर को फोल्ड करना है। फोल्ड कर करके
ये दिखेगा इंजन की तरह ऐसे। नीचे भी वैसे दो सर्कुलर पार्ट बनाए हैं। ये हमारा पूरा इंजन रेडी हो गया। अभी हम बनाएंगे हेडलाइट। तो हेडलाइट के लिए मैं वैसे ही सर्कुलर रिंग टाइप है उसको एक साइड से प्रेस करूँगा ताकि ये रियल लगे। स्पीडोमीटर के लिए मैं छोटा वाला सर्कल बनाऊंगा, सिंगल लेयर वाला और बनाना है। और सक ऑफ्सर आगे वाले, उसके लिए मैंने दो छोटे ट्यूब लिए और दो बड़े, छोटों को बड़े वाले ट्यूब में डाल दिया। और ये हो गए सक ऑफ्सर आगे वाले। साइलेंसर के लिए मैंने एक मीडियम साइज रोल बनाए और उसको एक तरफ आगे वाले हिस्से में छोटा सा पाइप डालना है और पीछे वाले उससे ज़रा थोड़ा बड़ा। तो ये हो गया हमारा साइलेंसर रेडी। ये हमें सपोर्ट के लिए ज़रूरत पड़ेगी इनकी। ये हमारा इंजन का गार्ड और ये हो गया हमारा हैंडल। ये हमारा पीछे वाला इंडिकेटर, टेल लैंप, ये आगे वाला इंडिकेटर। अब हमें ये सब असेंबल करना है। तो दोस्तों अभी हमें इसे असेंबल करने के लिए इसको तीन पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला पार्ट में हैंडल और आगे वाला व्हील, दूसरे पार्ट में टंकी और इंजन, और तीसरे पार्ट में पीछे वाले सीट और पीछे वाला व्हील। तो हम शुरुआत करेंगे पहले पार्ट से। पहले पार्ट में है हमारा शॉक ऑब्जर्वर और हैंडल बार का जॉइंट, उसको पहले हम चिपकाएंगे ग्लू गन की मदद से। उसके बाद दोस्तों हमें व्हील को इसको चिपकाना होगा। तो व्हील को चिपकाने के लिए हम यूज़ करेंगे एक स्टिक का, क्योंकि हमें ये व्हील हिलता हुआ चाहिए। तो इसके लिए हम स्टिक इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मैकेनिज़्म सही से होगा और व्हील हिलता रहेगा। तो इसको भी हम ग्लू की मदद से चिपकाएंगे। स्टिक चिपकाने के लिए मैंने दोनों शॉक ऑब्जर्वर को होल बनाए ताकि ये आसानी से फिट हो सके। अभी मैकेनिज्म सही से हो रहा है। तो टंकी को जोड़ने के लिए एक होलो ट्यूब इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। तो इससे टंकी को ये होलो ट्यूब चिपकाना है और इसमें ये पार्ट ऐसे लगाना है और ऊपर अपना हैंडल आएगा ऐसे। उससे पहले हमें एक रॉड लगाना है इसको शॉक ऑब्जर्वर को। ये रॉड होता है गाड़ी को, इससे हमें आगे वाला व्हील का गार्ड लगाना है, जो कि पंखा बोलते हैं हम उसे, वो यहाँ पे लगेगा। इसके लिए वो बार लगाना ज़रूरी था। तो ये यहाँ पे पंखा ऐसे लगेगा। पंखा लगने के बाद अभी हमें
हैंडल को इधर चिपकाना है ग्लू गन की मदद से। मैं ग्लू गन इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये जल्दी चिपक जाता है और बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये हमारा हैंडल इधर लग गया और अभी हमें इंजन टंकी को चिपकाना है। तो इंजन टंकी को चिपकाने के लिए यहाँ पे ऐसे चिपकाना है, उसके बाद ये पीछे वाला ऐसा पार्ट आएगा ये सीट का। इससे पहले मैकेनिज्म एक बार देख रहे थे सब ठीक से चल रहा है कि नहीं, सामने वाले इंडिकेटर लगाते हैं इसको, इंडिकेटर और ये हमारा हेडलैम्प हो गया और ये स्पीडोमीटर यहाँ पे लग गया ऐसे। तो अभी इंजन का गार्ड लगाते हैं, यहाँ पे लग गया इंजन गार्ड। तो पीछे वाले पहिए के लिए भी वैसे ही हमें स्टिक का इस्तेमाल करना है। स्टिक यहाँ पे मैंने लगा दिया, यहाँ पे ग्लू गन के इस्तेमाल से मैं दो रोल यहाँ पे चिपकाने वाला हूँ, पेपर रोल। तो ये ऐसे चिपक गए दोनों सही से। अभी इसके सपोर्ट के लिए हमें ये सीट के नीचे, पीछे वाले सीट के नीचे ऐसे लगाना है ताकि ये सपोर्ट इसको मिल सके, पहिया को, व्हील को। देखिए ये चिपक गया और मैकेनिज्म सही से है। अभी ये इसे यहाँ पे चिपकाना है हमें, मतलब सीट, आगे वाली सीट को इंजन को चिपकाना है। तो ये चिपक गए। अभी थोड़ा स्ट्रांग बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक रोल चिपका रहा हूँ जो कि पीछे वाले पहिए पे जाएगा, तो इसको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। ज़्यादा वाला पार्ट कट कर दो, दूसरी तरफ भी ऐसे ही चिपका दो और ये हो गया। बाइक तो रेडी हो गई। फिर थोड़ा अभी साइलेंसर बाकी है, ये देखिए ये सही से हिल रहा है, व्हील भी काम कर रहे। तो अभी साइलेंसर यहाँ पे चिपकाते हैं ऐसे, इसको मैंने चिपकाया नहीं है तो ये निकल रहा है। साइलेंसर भी हो गया, बाइक हमारी रेडी हो गई है। अभी बस इसको स्टैंड लगाना बाकी है। स्टैंड के लिए मैं वही टेक्निक इस्तेमाल करूँगा जो मैंने व्हील के लिए किया था, स्टिक और ये अपना होलो रोल। इसका साइज देख के इसको इसमें स्टिक डालो, पेपर रोल चिपका के इसमें स्टिक डाला और यहाँ से कट करना है हमें। तो ये मैंने कट कर दिया। यू शेप बनाना है हमें और उसको चिपकाना है इधर। तो ये हमारा यू शेप यहाँ पे लगेगा ऐसे स्टिक को। तो दोस्तों बाइक रेडी है और ये स्टैंड पे खड़ी भी है, देखिए सब कुछ रेडी है। अब इसको कलर करना बाकी है, तो चलिए कलर करते हैं। पहले मैं दूंगा ब्लैक कलर, इसको पूरा ब्लैक कलर देना है सिर्फ टंकी को चढ़ के। तो टंकी को मैं देने वाला हूँ रेड कलर। वैसे आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं लेकिन ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन एकदम फाड़ होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ब्लैक एंड रेड ही इस्तेमाल करने वाला हूँ कलर। तो टंकी के लिए मैं रेड कलर लगा रहा हूँ और अपना इंडिकेटर के लिए ऑरेंज कलर और सामने वाले हेडलाइट के लिए सिल्वर कलर लगाओ। कलर लगा के हो गया है, पेपर पे नहीं बैठ रही है बाइक, ठीक है कोई बात नहीं।
तो ये हो गया हमारा हमारे बाइक रेडी। तो अभी इसको सिल्वर कलर से हाईलाइट करना है हमें। इंडिकेटर को मैंने ऑरेंज कलर दिया है। ये मूवेबल पार्ट है इसलिए हिल रहा है ज़्यादा। तो ये देखिए मैंने इसको कलर करके रेडी कर दिया है और अपनी बाइक रेडी है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना और साथ में शेयर भी करना। और दोस्तों अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे और भी वीडियो मैं लाता रहूँगा और मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ऐसे बहुत से वीडियो बनाने के लिए। तो ठीक है, फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए बाय।